नमस्कार, मैं हूं नीरव पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हैंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। कि अगर आपके बच्चे को आप अच्छा भविष्य देना चाहते हो तो आगे एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कृपया करके ये वीडियो जो है आखिर तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिजिबल एज स्टूडेंट की कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सबसे पहला है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन स्टूडेंट्स का क्या लगेगा, एडमिशन लेटर लगेगा, KYC लगेगा, मार्कशीट लगेगा, वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट वो लगेगा। अगर स्टूडेंट जो है वो एब्रॉड जाना चाहता है तो उसमें वैलिड वीज़ा और पासपोर्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंटेशंस में KYC चाहिए, उनके इनकम प्रूफ चाहिए, बैंकिंग चाहिए और ऑब्लिगेशंस चाहिए। उसके बाद में कोलेटरल जो है वो 7.5 लाख तक कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोन जो है वो 7.5 लाख के अंदर में है तो कोई भी कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी बैंकों का रूल्स एंड रेगुलेशन है। 7.5 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक ये लोग फंडिंग करते हैं एजुकेशन लोन, तो उसमें सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है। जो भी वैल्यूएशन आएगी उसका 90% ये लोग फंडिंग करेंगे, या जो भी इनकम के हिसाब से बैठ रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद में रीपेमेंट जो है इसमें कैसे करना है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। रीपेमेंट जो है जैसे ही स्टूडेंट को जॉब मिलती है या कोर्स कंप्लीट होता है, दोनों में से जो भी पहला जल्दी होगा उसके बाद में ही रीपेमेंट जो है वो चालू होगा, मतलब हफ्ता चालू होगा, उससे पहले हफ्ता चालू नहीं होगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि कौन से कोर्स जो है वो इंक्लूड है। देखिए, कोर्स जो है सभी कोर्सेज इंक्लूड है। अगर इंडिया में लोन लेनी है तो सभी के सभी कोर्सेज इंक्लूड है, नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी के सभी कोर्स जो है उसमें एजुकेशन लोन मिलेगी। अब देख लेते हैं कि अगर कोई लड़का जो है एब्रॉड जाना चाहता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाके पढ़ना चाहता है, तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मतलब ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक डिप्लोमा डिग्री वगैरह उसमें ही एजुकेशन लोन जो है मिलेगी। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जो है इसमें 7.5% से लेके 15.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहता है। सभी बैंकों का अलग अलग रहता है, सभी प्रोफाइल वाइज भी अलग अलग रहता है। तो इंटरेस्ट रेट जो है आपको बैंक में एजुकेशन लोन रखने से पहले आप बैंक वाले को आपको पूछना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट रेट है, तो सभी बैंकों का अलग अलग होता है। अब हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन, जितनी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है सभी में एजुकेशन लोन जो है अवेलेबल है, तो ये है। उसके बाद में लोन टेन्योर, इसमें 2 to 15 years लोन टेन्योर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जाना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।